खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर, लाल किला हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी हिंसा केस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, लाल किले पर कब्जा करने का था इरादा प्रदर्शनकारियों का। एक नया प्रदर्शन स्थल बनाने की तैयारी में साजिश हो रही थी, साजिश के तहत 26 जनवरी का दिन चुना गया था। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में जम करके हिंसा हुई थी। आपको याद होगा किस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे लाल किले तक। अब ये बात खुल रही है कि दरअसल ये दिन जो चुना गया था, तारीख चुनी गई थी, ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था और एक और प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे लाल किले को। और ये साजिश की जो परतें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लाल किला को प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे आंदोलनकारी और इसीलिए 26 जनवरी का दिन भी चुना गया था, यानी ऐसी तारीख चुनी गई, ऐसी जगह चुनी गई जिससे कि देश की छवि खराब की जा सके। यानी 26 जनवरी का दिन और लाल किला, जो दोनों ही देश के सम्मान से जुड़े हुए हैं, देश के गौरव से जुड़े हुए हैं, ऐसे चिन्हों को परेशान करने की कोशिश की गई, ऐसे चिन्हों को निशाना बनाने की कोशिश की गई और लाल किला को नया प्रदर्शन स्थल बनाने की कोशिश में थे प्रदर्शनकारी। 26 जनवरी को पूरे विश्व की निगाहें भारत के ऊपर होती हैं, ऐसे में लाल किले को चुना जाना जानबूझकर इतनी बड़ी संख्या में 26 जनवरी के दिन वहां पहुंचना, यह मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरी सहयोगी लवीना वहां पर मौजूद है, बड़ी खबर है उनके पास। लवीना, बिल्कुल शालिनी रमन, देखिए बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, साजिश के तहत लाल किले में बुजुर्ग किसानों को यहां पर लाया गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है, बुजुर्ग किसानों को ढाल बनाने की यहां से साजिश थी, दुनिया में भारत की छवि खराब करने की साजिश का ये बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया हिंसा के लिए। पंजाब हरियाणा में नए ट्रैक्टर भी खरीदे गए थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ट्रैक्टर्स की खरीद फरोख्त का चार्जशीट में जिक्र यहां पर सामने आया। 26 जनवरी हिंसा पर 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। तो आप ये बड़ी खबर समझिए किस तरीके से साजिश जो ये पूरी रची गई थी उसका खुलासा हुआ है। हिंसा के लिए पंजाब हरियाणा से ट्रैक्टर किस तरीके से पहले से ही मंगवाए गए थे, खरीदे गए थे, ये इस खबर के जरिए आप समझिए। और चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी अंजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजीत, ओवर टू यू। देखिए कुल 3000 पन्नों की चार्जशीट है और 3000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कैसे बड़ी साजिश रची जा रही थी। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब किया जा सके, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर किसान लाल किला की तरफ क्यों बढ़ गए, क्योंकि उनका रूट तो दूसरा था। इसके पीछे वजह थी, एक तो लाल किले को वो सेंटर बनाना चाहते थे, वहां पर बुजुर्गों को रखना चाहते ताकि पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई ना कर पाए, और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 26 जनवरी के दिन पूरे देश का नाम खराब करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना। कई बार उनसे कहा गया था कि तारीख बदल लीजिए, आप दूसरी तारीख को किसी दिन और प्रोटेस्ट कर लीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में तकरीबन जो 3000 पन्ने की चार्जशीट है उसमें ये बात सामने आई, उसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि एक बड़ी साजिश थी और उस बड़ी साजिश के तहत लाल किले पर ये जाना चाहते थे और उसके बाद वहां से इस साजिश को अंजाम देना चाहते। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, 3000 पन्नों की चार्जशीट में और क्या क्या बड़ी बातें? बिल्कुल, देखिए आप सही बता रहे हैं, जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन ये हालात पैदा किए गए थे, हम लोग मौजूद थे यहाँ पर, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और मेरे ऊपर तो ट्रैक्टर चढ़ते चढ़ते बचा था, ITO से लेकर और ये लाल किले तक हम लोग हर तस्वीर दिखा रहे थे और लगातार इन किसानों के बीच में थे। मैं तो इनको किसान नहीं कहूँगा अंजीत, आप बार बार किसान कह रहे थे, ये दंगाई थे, ये किसान नहीं थे, हमारे आंखों के सामने थे ये। और जिस तरीके से ये लोगों को रौंदना चाह रहे थे वो दिख रहा था सामने। ये जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे और जो महिलाएं थीं, महिलाओं को लेकर भी ये पहुंचे हुए थे लाल किला पर और वहां पर महिलाएं और बुजुर्गों की आड़ में ये वहां पर उसको एपिक सेंटर बनाना चाहते थे कि सारा का सारा प्रोटेस्ट उठ कर चला आए यहाँ लाल किले पर। और 26 जनवरी का दिन था, एक तरफ परेड चल रही थी राजपथ पर और दूसरी तरफ इन दंगाइयों ने 12 बजे के बाद दंगा शुरू कर दिया था। लगातार हम उसको कवर कर रहे थे और पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई थी ताकि ये दंगाई आगे ना बढ़ पाए, लेकिन जिस तरीके से ये हाथों में तलवार, डंडे, झंडे, तमाम चीजें और भाले, उसके अलावा रॉड्स, छोटे छोटे लोहे के जो गोटियां होती हैं वो लेकर फायर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूरी तैयारी थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे, वो ट्रैक्टर्स मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स थे।
तो टूलकिट जो भी कुछ दिनों पहले आया था इस जांच के दौरान जब लगातार बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और ये वो जो दिन था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। ऐसा लगता था कि पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है, किस तरह से अराजकता फैलानी है, किस तरह से पूरा हंगामा करना है। उनके ट्रैक्टर्स मॉडिफाइड थे, देसी बमों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो पुलिस टियर शेल फायर कर रही थी उन्हें बड़ी आसानी से वो रोक रहे थे। लग नहीं रहा था कि ये कहीं से भी आंदोलनकारी है। साजिश के तहत लाल किले में बुजुर्ग लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये चार्जशीट में बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इस पूरे आंदोलन की हकीकत निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से 26 जनवरी की हिंसा को प्लान किया गया। और मेरे सहयोगी हर्षा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हर्षा, अभिषेक, ये तमाम मेरे वो सहयोगी हैं जो उस दिन मौजूद थे लाल किले पर ही। और हर्षा, देखिए, दिखाने की कोशिश किसानों की तरफ से लगातार यही की गई थी कि वो एक आक्रोश था जो उस वक्त निकल करके सामने आ गया, लेकिन अब ये चार्जशीट में तमाम असलियत अब खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल शर्मी, आपको याद होगा लाल किले की हिंसा से पहले हम विज्ञान भवन पे मौजूद थे जब राकेश टिकैत से बात पूछी गई थी कि जब सरकार कह रही है, जब पुलिस कह रही है कि किसी और दिन आप अपना प्लान कर लीजिए, लेकिन वो मानने को तैयारी से अड़े हुए थे। वो इसलिए शालिनी, क्योंकि जो प्लान था, जो पटकथा थी 26 जनवरी को लेकर के, ये जो है दिसंबर में ही लिख ली गई थी, जब लगातार राकेश टिकैत कहते थे कि लाल किले की प्राचीर पे जाएंगे, लाल किले की प्राचीर पे जाएंगे। और देखिए, जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, जो क्राइम ब्रांच को बयान दिया गया, उसमें दीप सिद्धू ने कहा कि कई किसान नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, मैं एक एक का नाम बताऊंगा। लेकिन राकेश टिकैत आज दिन तक ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उसमें किसी किसान नेता का इन्वॉल्वमेंट था हिंसा में। वो आज भी कहते हुए नजर आते हैं, पुलिस की गलती थी, हमें गलत रूट दिया गया। सही रूट पे शालिनी बैरिकेड किया हुआ था, बैरिकेड को तोड़ा गया, पुलिस के ऊपर हमले किए गए, पुलिसकर्मी घायल हुए, धारदार हथियारों से पत्रकारों और पुलिस वालों पे हमला किया गया। हम वहां पर मौजूद थे, गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं थी, जो हिंसा की तस्वीर हमने देखी थी। यकीनन जो चार्जशीट है उसमें मेंशन किया गया किसान नेताओं का नाम, जो ट्रक की खरीद की गई, लगभग 1 लाख से ज्यादा ट्रक, नए ट्रक खरीदे गए थे इस लाल किले की हिंसा को अंजाम देने के लिए। उन बकायदों युवाओं का नाम था जो उपद्रवी थे, कौन कौन लाल किले की प्राचीर पर जाएगा, निशान साहिब फहराएगा, देश का झंडा नीचे उतारेगा, ये तमाम चीजें पहले से प्लान थी, उसके लिए फंडिंग हुई थी। बिल्कुल, तमाम बात का खुलासा हुआ है क्योंकि चार्जशीट दाखिल हुई और इसमें पता चला है कि कैसे इसकी जो साजिश है वो पहले से रची गई थी। और अभी कई सारे और भी खुलासे है उन्हें है जो होना बाकी है। देखिए, एक और बड़ी खबर, साजिश के तहत लाल किले में बुजुर्ग जो थे किसान, उनको आगे करने की यहां से साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हुआ है। दुनिया में भारत की छवि खराब करने की साजिश रची गई थी जिसका खुलासा आज हो चुका है। ये बड़ी खबर लगातार हिंदुस्तान आपको बता रहा है। हिंसा के लिए पंजाब हरियाणा में नए ट्रैक्टर किस तरीके से पहले से ही खरीद लिए गए थे, आप ये समझिए। ओवर टू यू अंजी। देखिए, इसमें एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये बड़ी जानकारी ये है, दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी, नवंबर 2020 में 43% ट्रैक्टर खरीदी बढ़ी, दिसंबर में ये खरीदी बढ़कर के 94% हो गई। यानी दिसंबर में 94% खरीदी बढ़ी और 26 जनवरी को ये साजिश रची गई। तो आप देखिए कैसे कानून आने के बाद हरियाणा में भी ट्रैक्टर की खरीदी बढ़ी, उसके बाद वो सारे के सारे ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे और वो दिल्ली से सिर्फ फिर लाल किला की तरफ मूव कर गए और फिर इस बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। मतलब ये है कि आप ये देखिए कि इससे पहले यानी नवंबर 2020 से ये साजिश रची जा रही थी। शालिनी, बिल्कुल। और अभिषेक का भी हम रुख कर लेते हैं। अंजीत, अभिषेक, देखिए 3000 पन्नों की ये चार्जशीट है, लेकिन साजिश है वो तो ठीक है, साजिश के पीछे साजिश करता कौन है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त दीप सिद्धू को विलन के तौर पर पेश किया गया था। किसान नेताओं का भी नाम है क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए इसमें कई लोगों का नाम आएगा, राकेश टिकैत भी होंगे इसमें, योगेंद्र यादव भी होंगे इसमें, दीप सिद्धू भी होंगे और इसमें और भी कई लोग हैं। देखिए शालिनी, एक बड़ी चीज है कि इतने भारी मात्रा में ट्रैक्टर खरीदने के लिए फंड कहां से आया, पैसा कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन और इतने लंबे दौर तक चलने वाला ये आंदोलन, एक महीने के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की खरीदारी करने के लिए ये पैसे आए कहां से? पंजाब से आए, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, कहां से आए, किसने दिए पैसे? पैसे बैंक से ट्रांसफर हुए, कैश आए, हवाला से आए, कहां से आए, ये सारी जांच की विषय है। और लगातार पुलिस और सीबीआई और ईडी और ये सारे इन एंगल्स पे भी जांच कर रही है, क्योंकि पैसे की जांच बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें इसमें सामने आई थी शालिनी, आपको भी पता होगा कि विदेशी फंडिंग भी हुई थी। विदेशी फंडिंग किसके अकाउंट में हुई थी, किसके जरिए आया ये पैसा आया कहां से, सबसे बड़ा सोर्स? अभिषेक बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे, सीधा हर्षा का रुख करते हैं, हर्षा से बात करते हैं। हर्षा, देखिए ये जो पूरा का पूरा था, किसान नेता हर साजिश से हाथ झाड़ते हुए नजर आए और पुलिस के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी थोप दी कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जब परत खुल रही है तो समझ में आ रहा है ये एक दिन की बात नहीं थी, ये पूरी तैयारी थी 26 जनवरी की और देश को बदनाम करने की।
बिल्कुल, लेकिन लेकिन रमन देखिए ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगे, चाहे पंडेर की बात करें, चाहे युधवीर सिंह की बात करें, चाहे योगेंद्र यादव की बात करें, चाहे राजवीर की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें जो कि सरगना है, और संयुक्त किसान मोर्चा कुलविंदर सिंह की बात करें, ये सब लोग हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, और ये सब लोग हैं जिनके जो कनेक्शन है वो हवाला जो कनेक्शन है जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन से वो निकाले जाएंगे, क्योंकि जूम मीटिंग के तहत कॉल हुई थी, बात हुई थी पैसों को लेकर के, ये बात दीप सिंधु ने अपने बयान में एक्सेप्ट की थी, लेकिन जो कॉल हुई थी कितना पैसा आया था, किस मोड से आया था, और 26 जनवरी के लिए खास जो फंडिंग हुई थी ट्रैक्टरों से लेकर के लाल किले हिंसा तक जाने की, हर एक व्यक्ति जिसने हिंसा की थी जो उपद्रवी थे उनको मोटी रकम तक दी गई थी शुरू से, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ने जो लिंक किया था रमन, ये पूरा जो पूरा खेल था 26 जनवरी का, इंटेलिजेंस ने कहा था कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में प्रतिबंधित है, उनसे उनकी मदद से गलत चीजें की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर, हर्षा बनरी हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन कई बड़ी जानकारियां दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी कॉल इंटरसेप्ट की गई तो पता चला कि वो कहती हुई नजर आई उसकी बेटी की 50 लाख मिलने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के पैसे की फंडिंग इसमें बड़ी थी, पैसा जुटाया जा रहा था, ट्रैक्टर खरीदे जा रहे थे और बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता वो अपने आप को तो देशभक्त बताते हैं, लेकिन इतनी बड़ी साजिश आखिर कैसे हो गई जब ये लोग शामिल नहीं थे, और कितनी जानकारी थी इन लोगों को साजिश की, इसका खुलासा होना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो लोग 26 जनवरी के दिन, इतने बड़े दिन, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में खराब करना चाहते थे, और यही वजह थी कि इस दिन इस बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई और सीधे गाजीपुर होते हुए सीधे लाल किला की तरफ चले गए। सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश थी, अगर यह कामयाब हो जाते तो आखिर क्या होता। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अभिषेक इतनी बड़ी साजिश, और अब पता चला कि पैसा भी फंडिंग किया गया, सवाल इस बात का है कि पैसा कहां से आया। बिल्कुल, देखिए ईडी सीबीआई और तमाम जो हमारी जांच एजेंसियां हैं ये इस एंगल पर लगातार जांच कर रही हैं। ये शुरुआत हो गई थी पहले से ही, क्योंकि लगातार ये समझ में आ रहा था कि जो बैंक संस्थाएं हैं देश में कनाडा में जो बैठी हुई हैं वो इनको मदद कर रही हैं। इसके अलावा पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से भी फंडिंग हो रही है, कुछ विपक्षी दल के बड़े नेता भी इनको फंडिंग कर रहे हैं, तो तमाम ऐसी बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी परतें खुली, लगातार दीप सिद्धू को रिमांड पर रख के पुलिस ने पूछा था, जब दीप सिद्धू की पेशी हो रही थी कोर्ट में मैं वहां पर मौजूद था और मैंने देखा था कि दीप सिद्धू को कितनी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, वहां पर वकील थे जो दीप सिद्धू को पीटने के लिए आए थे, ये भी आपको बता देता हूं। लेकिन ये बात पहले से ही पुलिस को पता थी और पुलिस ने बचाव के लिए उसको वहां पर बकायदे सुरक्षा दे रखी थी। मैं घुसकर अंदर गया भी था, दीप सिद्धू को हमने दिखाया भी था अपने कैमरे पर पहली तस्वीर, लेकिन दीप सिद्धू का शामिल होना, राकेश टिकैत का शामिल होना, योगेंद्र यादव का शामिल, योगेंद्र यादव कोई नेता तो है नहीं, किसान नेता, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता थे और उसके बाद अभी आजकल अपनी नई पार्टी बनाकर वो तमाम फंडिंग जुटा रहे हैं किसानों के नाम पर, तो ये लोग जब सामने आएंगे और इनसे जब पूछताछ होगी तो बहुत सारे बड़े बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक आप नजर बनाए रखिएगा, अभी इस चार्जशीट से और भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। अभिषेक, हर्षा, अंजीत, लवीना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।